हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं कॉमर्स पॉइंट। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी कि आप प्लस टू के बाद कौन कौन से कोर्सेज में एडमिशन ले सकते हैं। ये वीडियो स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए हैं जिन्होंने प्लस टू में बिजनेस एंड कॉमर्स ली थी, यानी कि जो कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं, ये वीडियो सबसे ज़्यादा हेल्पफुल उनके लिए रहेगी। तो अगर हम बात करें स्टूडेंट्स की, तो जो कि कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं, उनको लगता है कि प्लस टू करने के बाद अब उनके पास दो ही ऑप्शन बच गए हैं। एक तो वो बीकॉम कर सकते हैं, यानी कि बैचलर इन कॉमर्स, दूसरा वो सीए कर सकते हैं, यानी कि चार्टर्ड अकाउंटेंसी। बट ऐसा नहीं है, कॉमर्स के स्टूडेंट्स के लिए हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। आइए देखते हैं कि कौन कौन से ऑप्शंस हैं, आप किन किन कोर्सेज में एडमिशन ले सकते हैं अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंगली। तो आप, ज़रूरी नहीं है कि आप बीकॉम ही कीजिए, आप बीए भी कर सकते हैं। बैचलर इन आर्ट्स में बहुत सारे ऐसे कोर्सेज होते हैं जो कि कॉमर्स के स्टूडेंट्स को अच्छे लगते हैं, जैसे कि बीए इन ट्रैवल एंड टूरिज्म मैनेजमेंट, बैचलर ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स, बैचलर ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस एंड फाइनेंस, बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, बैचलर इन बैंकिंग एंड इंश्योरेंस। ये सारे के सारे कोर्सेज जो हैं वो 3 साल के रहेंगे। तो ये बैचलर डिग्री है, दिस इज़ नॉट डिप्लोमा कोर्सेज। ये आपकी डिग्री होगी 3 साल की, जो कि अलग अलग स्पेसिफिक फील्ड में है। इन द कमिंग वीडियो आई विल एक्सप्लेन एवरीथिंग इन द डिटेल। अगर हम 3 साल की कोर्सेज की बात करें, तो बीकॉम जो है वो सबसे ज़्यादा पॉपुलर कोर्स है, बीए इन होटल मैनेजमेंट, बीए इन रिटेल मैनेजमेंट, बीएससी इन होटल मैनेजमेंट, बीए इन फैशन एंड मार्केटिंग। ये सारे कोर्सेज जो हैं ये बैचलर डिग्री के अंदर आते हैं। अगर हम प्रोफेशनल कोर्सेज की बात करें, तो सीए, सीएस, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट, ये 3 प्रोफेशनल कोर्सेज हैं जिनकी ड्यूरेशन जो है 5 से 6 साल या फिर उससे ज़्यादा भी हो सकती है। डिपेंड करता है कि आपने जो फाइनल एग्ज़ाम है वो क्लियर किया है, वो क्रैक किया है कि नहीं। जैसे सिविल सर्विस के एग्ज़ाम होते हैं, वैसे ही इन 3 प्रोफेशनल कोर्सेज के एग्ज़ाम होते हैं, ठीक है। तो इन 3 को सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट माना जाता है कॉमर्स के स्टूडेंट्स के लिए। अगर हम बात करें सीए की, सो दिस इज़ द बेस्ट प्रोफेशनल कोर्स फॉर बिल्डिंग अ सक्सेसफुल करियर इन कॉमर्स। बिकमिंग अ चार्टर्ड अकाउंटेंट ओपन्स द वेरियस डोर्स टू एग्जिस्टिंग करियर अपॉर्चुनिटीज़। आप क्या क्या बन सकते हैं, आप टैक्स कंसल्टेंट बन सकते हैं, एक ऑडिटर बन सकते हैं, एक एडवाइज़र बन सकते हैं, फाइनेंशियल ऑफिसर बन सकते हैं। लोगों के दिमाग में अक्सर रहता है कि अगर हमने सीए कर ली है तो हम ऑडिटर ही बन सकते हैं, किसी कंपनी का ऑडिटिंग का काम ही करेंगे। ऐसा नहीं है, बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं, आप उन्हें क्रैक करके अच्छी अच्छी पोस्ट पर जॉब भी ले सकते हैं। जैसे कि आप बैंक के एग्ज़ाम जो है, अगर आपने सीए की है और आपने कोई बैंक का पीओ लेवल का एग्ज़ाम क्रैक कर लिया है, तो आपकी डायरेक्ट मैनेजर की पोस्टिंग हो जाती है। और आसानी से एक पर्सन जो है वो 70 से 80,000 रुपीज़ मंथ का अर्न कर लेता है। तो आगे बात करते हैं दूसरे नंबर पर प्रोफेशनल कोर्स जो कि सबसे ज़्यादा पॉपुलर है कॉमर्स के स्टूडेंट्स के बीच में, वो है कंपनी सेक्रेटरी। तो कंपनी सेक्रेटरी बेसिकली, आप अगर इंटरेस्टेड है एमएनसीज में काम करने के लिए, देन यू शुड गो फॉर सीएस। सीएस के बाद आपको किसी भी कंपनी में कंप्लायंस ऑफिसर की जॉब के लिए हायर किया जा सकता है, और इसमें भी अर्निंग जो है वो आपकी बहुत अच्छी रहती है। अगर हम बात करें कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटेंट की, तो जितनी भी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ हैं, जितनी भी फैक्ट्रीज वगैरह है, वो कॉस्ट कॉन्शियस होती हैं। कॉस्ट को कंट्रोल करने के लिए कुछ ऑफिसर जो हैं वो हायर कर लेती हैं, जो कि कॉस्ट ऑडिटिंग का काम करते हैं, प्रोडक्ट की कॉस्टिंग को प्लान करते हैं, कंट्रोल करते हैं। तो उन, अगर आप ऐसे ऑफिसर बनना चाहते हैं, देन यू कैन गो फॉर कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट।
अब हम सिंपल कोर्सेज की बात करते हैं। तीन हो गए हमारे बहुत ही प्रोफेशनल कोर्सेज जिनकी ड्यूरेशन भी ज़्यादा है और वो डिफ़िकल्ट भी है। और अगर आपने प्लस टू में आपके बहुत अच्छे मार्क्स आए हैं, 70% मार्क्स आपके चल रहे हैं, तो आप इन कोर्सेज में आसानी से एडमिशन लीजिए और सारा फोकस आप इनके और ऊपर लगाइए। फर्स्ट अटेम्प्ट में भी बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं एग्ज़ाम को क्रैक करते हैं। बट अगर आप एक मीडियोकर स्टूडेंट है, आपके 60-70 की रेंज में रह रहे हैं और आप ज़्यादा एफर्ट नहीं करना चाहते, देन यू कैन गो फॉर बैचलर ऑफ कॉमर्स। सो बैचलर ऑफ कॉमर्स जो है वो 3 साल की डिग्री रहेगी। बैचलर ऑफ कॉमर्स बीकॉम जो है वो 2 तरह की होती है, एक है सिंपल बीकॉम, दूसरी आ जाती है ऑनर्स। ऑनर्स में अलग अलग यूनिवर्सिटी अलग अलग कोर्सेज प्रोवाइड करती हैं एज अ स्पेशलाइज्ड कोर्स। लाइक बीकॉम ऑनर्स आपकी बैंकिंग में इंश्योरेंस में हो सकती है, वहाँ पर बैंकिंग और इंश्योरेंस से रिलेटेड कुछ सब्जेक्ट्स स्टूडेंट को लगा दिए जाते हैं ताकि बैंकिंग की बेसिक नॉलेज हो जाए बच्चे को, इंश्योरेंस की बेसिक नॉलेज हो जाए। तो आप बीकॉम ऑनर भी कर सकते हैं और बीकॉम सिंपल भी कर सकते हैं। बहुत इजी कोर्स रहेगा, 3 साल का कोर्स होता है और फी स्ट्रक्चर भी है इसका बहुत ही नॉमिनल रहता है। बैचलर ऑफ लॉ, यस यू कैन गो फॉर LLB ऑल्सो। LLB करने के बाद आप किसी भी कंपनी में एज अ एडवाइज़र काम कर सकते हैं। अगर आप प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आप लॉयर का काम भी कर सकते हैं। अगर हम बात करें रेगुलेटरी अथॉरिटी की, कौन एग्ज़ाम कंडक्ट करता है, तो इंडिया में बार काउंसिल ऑफ इंडिया है जो कि आपका LLB का एग्ज़ाम कंडक्ट करेगी। LLB के बाद आप LLM भी कर सकते हैं, दैट इज़ द मास्टर डिग्री। उसके बाद किसी भी कॉलेज में एज अ प्रोफेसर आप जॉब कर सकते हैं, या फिर आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम क्रैक करके आप जज की पोस्टिंग के लिए भी सिलेक्ट हो सकते हैं। तो इसके बाद भी स्टूडेंट्स का करियर जो है वो बहुत अच्छा रहता है। अगर हम बात करें इकोनॉमिक्स में, तो बहुत सारे कॉमर्स के ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि बैचलर इन इकोनॉमिक्स करते हैं और ये बहुत ही बढ़िया कोर्स है, इसका फ्यूचर हमेशा ही ब्राइट रहेगा। रीज़न ये है कि एक इकॉनमी को स्टडी कैसे करना है उसके सारे एस्पेक्ट की नॉलेज जो है स्टूडेंट को दी जाती है बैचलर इन इकोनॉमिक्स में। और इकॉनमी को इवैल्यूएट करना वो तो हर जगह ही ज़रूरी है, आप कोई भी कोर्स कर लीजिए, इकोनॉमिक्स जो है उसकी अगर आपको नॉलेज है तो आप हमेशा ही आपका फ्यूचर जो है वो ब्राइट रहेगा। BBA की बात करें तो अगर आप काम करना चाहते हैं किसी कंपनी में तो BBA बेस्ट कोर्स है आपके लिए। आफ्टर BBA यू कैन गो फॉर MBA। नेक्स्ट वी हैव सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर्स। तो ये एक तरह का सर्टिफिकेट होता है जो कि आप इस कोर्स को करके आपको एज अ प्रोफेशनल एक सर्टिफिकेट मिल जाएगा। आप लोगों को म्यूचुअल फंड से रिलेटेड, इंश्योरेंस से रिलेटेड, वेल्थ मैनेजमेंट से रिलेटेड एडवाइस दे सकते हैं अपने क्लाइंट्स को। अगर हम बात करें, ये सारे जो कोर्सेज हैं ये सारे ग्रेजुएशन कोर्सेज हैं जो कि आपने प्लस टू करने के बाद करने हैं। अगर आप कोई डिप्लोमा भी करना चाहते हैं तो डिप्लोमा जो है वो 10th के बाद भी हो जाता है, इवन प्लस टू के बाद भी आप डिप्लोमा कोर्सेज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि आप अपना कोई काम ही स्टार्ट करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि अपना कोई बुटीक खोलना है, आप डिज़ाइनर बनना चाहते हैं, तो उसके लिए यू कैन गो फॉर द डिप्लोमा कोर्सेज। डिप्लोमा इन टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग, डिप्लोमा इन वेब डिज़ाइनिंग, डिप्लोमा इन फैशन डिज़ाइनिंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ड्राइंग, ड्रेस डिज़ाइनिंग, एनिमेशन, एयर होस्टेस, देन इवेंट मैनेजमेंट, फॉरेन लैंग्वेजेस। अलग अलग तरह के डिप्लोमा जो हैं अलग अलग इंस्टीट्यूट में करवाए जाते हैं। तो अगर आपको ऐसी किसी जगह पर इंटरेस्ट है देन यू कैन गो फॉर द डिप्लोमा कोर्सेज ऑल्सो। मैं आपको यही यहाँ पर गाइड करना चाहूँगी कि कोई भी कोर्स इसलिए मत लीजिए क्योंकि ये फेमस है, जब सभी कर रहे हैं, मेरा फ्रेंड कर रहा है तो मैं भी करूँगा, या फिर पेरेंट्स कह रहे हैं इसलिए हम करेंगे। नहीं, ये पहचानिए कि आपकी क्वालिटी क्या है, आप क्या करना चाहते हैं, आपका इंटरेस्ट कहाँ है, उसके अकॉर्डिंगली आप कोर्सेज जो हैं
उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। आई होप यू विल लाइक दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो कॉमर्स पॉइंट को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू एवरीवन।